हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज की जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज मैं कुर्ता एंड कुर्ती सेट का हॉल लेके आई हूँ। और बहुत सारी कुर्तीज एंड कुर्ता सेट मैंने मंगाए हैं, और कुछ मैंने मीशो से मंगाए हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से, एंड एक मैंने उसमें से मिंत्रा से मंगाया है। इनके जो फैब्रिक हैं, कुछ के कॉटन हैं, कुछ के रेयन हैं, कुछ के जॉर्जेट हैं। सो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें, लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। एंड बिना ज्यादा देर करे स्टार्ट करते हैं आज की हमारे कुर्ता सेट्स का हॉल। और गाइस, ये सिर्फ कुर्ता सेट्स का हॉल नहीं है, इसमें मैंने सिंगल कुर्तीज भी मंगाई हैं। सबसे पहले जो मैं कुर्ती दिखाने वाली हूँ उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये मेहरून कलर में है, एंड ये 300 समथिंग कुछ अमाउंट था इसका। एंड यहाँ पे ये मुझे कुछ ऐसी रिसीव हुई है, ये वी नेक में है, एंड इस टाइप का डिजाइन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। इसका जो फैब्रिक है वो रेयन है, और यहां पे आप ये जो डिजाइन देख रहे होंगे ये पूरा प्रिंट है इस कुर्ती पर। यहां तक हमें इसके स्लीव्स मिल जाती हैं, एंड बैक साइड से ये कुछ ऐसी है। पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। वैसे रेयन के जो फैब्रिक होते हैं वो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते कॉटन के अकॉर्डिंग, बट ये कुर्ती जो है पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। और इसकी जो ये नेक है, यहाँ पे ये वी नेक है, ये मुझे काफ़ी पसंद आई। इस टाइप की कुर्ती मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, और इस अमाउंट में मुझे ये कुर्ती काफ़ी अच्छी लगी है। बहुत सारे लोगों ने इसे परचेज किया हुआ है, एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बताई है आफ्टर वॉश। अभी तक मैंने इसे वॉश नहीं करा है, तो आफ्टर वॉश अगर इसका कलर निकलेगा तो अभी मुझे पता नहीं है, बट अभी तो ये मुझे बिल्कुल कम्फर्टेबल लग रही है। सो ये हमारी फर्स्ट कुर्ती थी जो मैंने मीशो से मंगाई थी। एंड अब जो मैं नेक्स्ट कुर्ता सेट दिखाने वाली हूँ वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, एंड उसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा था दिखने में। इसका अमाउंट है 710 आई थिंक, और ये मुझे कुछ ऐसा रिसीव हुआ है। सबसे पहले मैं इसका कुर्ता दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ इस तरीके के डिजाइन में है, इसकी नेक इस तरीके से है, एंड ये यहाँ पे हमें 3/4 स्लीव्स मिल रही है। और पहनने के बाद में सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ में मुझे ये पैंट रिसीव हुई है इसकी, और इसका जो फैब्रिक है इसका भी कॉटन ही है, एंड एक साइड में हमें इसमें इलास्टिक मिलता है, और इसमें भी ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा ये पूरा प्रिंट है, और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। बस ये थोड़ी सी मुझे टाइट लगी, मैंने इसका स्मॉल साइज मंगाया था, और बाकी इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल भी है ये। इसके साथ में आया है ये क्यूट सा दुपट्टा, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एंड इसे पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा मुलायम सा लग रहा है, और प्लेन दुपट्टा है ये, डार्क ब्लू कलर का इसके साथ में। अब इसके बाद में मैं शेयर करने वाली हूँ ये कुर्ती, जो कि मुझे कब से चाहिए थी और बहुत ज़्यादा चल भी रही है इस टाइप की कुर्तीज़। और ये मैंने ब्लैक कलर में मंगाई है, इसके अलग अलग कलर्स थे वहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मुझे कुछ ऐसी रिसीव हुई है। और इसका जो अमाउंट है वो है 399, और इसमें ये थ्रेड वर्क हुआ है, ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा ये पूरा थ्रेड वर्क है, एंड ये जॉर्जेट फैब्रिक में है। इसके बैक में बस ये एक इस तरीके का डिज़ाइन दिया है थ्रेड से, बाकी पूरा ये ऐसे ही प्लेन है, जॉर्जेट का फैब्रिक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुर्ती पूरी ट्रांसपेरेंट है, और इसके साथ में मुझे मिला है ये अंदर से समीज पहनने के लिए, ये इसी के साथ में आई है। सो इसकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि इसके साथ में मुझे ये मिली है, क्योंकि मैंने ना फ्लिपकार्ट पे इसको विशलिस्ट में रखा हुआ था, 700 समथिंग में है ये फ्लिपकार्ट पे, और मैं इसे नहीं ले पा रही थी क्योंकि इसके साथ में ये समीज नहीं मिल रही है वहाँ पे। सो मुझे मीशो पे ये कुर्ता दिखा, और मैंने देखा कि इसके साथ में ये समीज भी मिल रही है। सो मैंने एकदम से इसे 399 में ऑर्डर करा है, और अभी ये मेरे पास में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट कुर्ता
का सेट भी मीशो से है एंड 400 समथिंग इसका अमाउंट है, रेयॉन फैब्रिक है एंड ये मैंने ग्रीन कलर में पिक करा है, इसके अलग कलर थे वहाँ पे अवेलेबल। और ये कुर्ता भी मैंने फ्लिपकार्ट पे और अदर साइट पे मतलब कर रखा था विश लिस्ट में, बट मैंने मीशो से मंगाया क्योंकि मीशो पे थोड़ा सस्ता मिल रहा था। सो ये मुझे कुछ ऐसा रिसीव हुआ है। ये जो आप देख रहे होंगे ये पूरा प्रिंट है इस कुर्ते पे और इसकी जो नेक है ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें देखिए इस तरीके से ये बटन दिया हुआ है और इसका जो डिज़ाइन है नेक का ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। वैसे तो ये इस प्रिंट की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी सा लुक दे रहा है लेकिन हम इसको और भी ज्वेलरी वगैरह वेयर करके बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हैं और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ में आया है ये प्लाजो और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके का प्लाजो मुझे रिसीव हुआ है और इसमें ये पूरा गोल्डन कलर का प्रिंट दिया हुआ है, दोनों ही साइड में इसमें इलास्टिक दी हुई है। ये मुझे 400 का इसलिए पड़ा क्योंकि इसके साथ में ये प्लाजो था, वरना इसका जो सिंगल पीस है वो अदर सेलर पे 200 समथिंग का भी था अगर हमें ये सिंगल सिंगल कुर्ता चाहिए तो। तो ये भी मुझे अच्छा ऑप्शन लगा कि अगर कुर्ता कुर्ता चाहिए तो वो 200 में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बस इसका जो कुर्ता है ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, इसका जो प्लाजो है इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट कुर्ता अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि 200 में जो ये कुर्ता कुर्ता मिल रहा है वो अच्छा ऑप्शन है लेने का। एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट पे। ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से एंड इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन में एंड पूरा कुर्ता सेट है ये। यहाँ पे आप इमेज देख लीजिए, ये कुछ ऐसा है दिखने में। ये भी कॉटन फैब्रिक में है एंड ये भी पहनने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके का इसका डिज़ाइन है फ्रंट का और पूरा ही प्रिंट किया हुआ है इसमें। इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है एंड पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था ये। एक्चुअली ये कॉटन फैब्रिक में है तो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी 3/4 स्लीव्स हैं और बैक साइड से ये सेम वही प्रिंट दिया हुआ है इसमें। ये कुर्ता पहनने के बाद में कैसा लगता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ में जो मुझे दुपट्टा रिसीव हुआ है ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है और इसमें देखिए इस पूरे में प्रिंट करा हुआ है दुपट्टे में और साथ ही में मुझे इसके साथ रिसीव हुआ है इसका ये प्लाजो। प्लाजो इसका यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है, दोनों साइड में इलास्टिक है और ये भी मुझे पहनने के बाद में कंफर्टेबल लगा इसका प्लाजो। एंड में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है और बाकी पूरा प्लेन ये प्रिंटेड है। सो ये था हमारा पूरा कुर्ता सेट और पहनने के बाद में कंफर्टेबल लुक दे रहा है। इसका जो कलर है वो इस टाइप का है कि हम इसे ऑफिस वगैरह में पहन सकते हैं, आने जाने में पहन सकते हैं, किसी के घर पे अगर हमें कहीं जाना है तो। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट कुर्ती, उसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने सेम वही कुर्ती वेयर करी हुई है एंड ये कुर्ती मुझे देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी सी लगी और ये 300 समथिंग में है। कुछ व्हाइट कलर के धागे से इसमें ये बीच बीच में एम्ब्रॉयडरी करी हुई है एंड इसका जो लुक है आप यहाँ पे पहनने के बाद में देख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे क्यूट सा लग रहा था इसलिए मैंने इसको मंगाया। ये यहाँ से नीचे पूरा जॉर्जेट फैब्रिक है एंड ऊपर से अंदर इसमें लाइनिंग लगाई हुई है। एंड मैं इस वीडियो में एक्चुअली बैक का नहीं ले पाई, इसमें बैक में जो डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन है इसमें, जो कि एक रीज़न था मुझे कुर्ती पसंद आने का। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कुर्ता, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, इसका भी कॉटन फैब्रिक है एंड ये मुझे कुछ ऐसा रिसीव हुआ है। इसको भी पहनने के बाद में कंफर्टेबल लग रहा था। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मैंने डिटेल नहीं पढ़ी और मुझे सिर्फ ये कुर्ता सेट ही मिला है अनारकली टाइप में और इसके जो साथ में नीचे प्लाजो दिखाया हुआ है वो मुझे नहीं मिला। इसका अमाउंट है 530 रुपीज़ एंड इसको मैंने डिफरेंट मतलब जीन्स पे भी ट्राई करा एंड प्लाजो पे भी ट्राई करा बट ये इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा जितना मुझे इमेज में लग रहा था उस प्लाजो के साथ में, जो इसके साथ का है सच में तो उसके साथ में ज़्यादा अच्छा लगेगा बट जीन्स वगैरह के साथ में ये मैच नहीं खा रहा था। इस कुर्ते की जो अनारकली वाली फ्लेयर दी हुई है फ्रंट से और बैक से दोनों साइड में ही अच्छी दी हुई है और मतलब है तो अच्छा लेकिन इसके साथ में इसका प्लाजो होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कुर्ता सेट, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है एंड इसका अमाउंट है 1700 रुपीज़ एंड यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं और ये देखिए ये मुझे कुछ ऐसा रिसीव हुआ है।
जब मैंने इसे मंगाया तो इसका कलर हल्का सा फेडेड था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसका हल्का कलर आएगा। और इसकी जो स्लीव्स हैं, ये 3/4 स्लीव्स दी हुई हैं और इस पे भी ये एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, और ग्रीन कलर के थ्रेड से इसमें एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, और पूरा ये जो कुर्ता है ये इस टाइप से है। बैक साइड इसके बिल्कुल प्लेन है। अभी इसको एक्चुअली टाइम हो गया है रखे हुए और मैंने इसे एक दो बार पहन लिया है। इसकी पैंट में एक साइड से इलास्टिक आई थी, एक साइड से प्लेन। और ये देखिए, इसमें एंड में यहाँ पे ये जो डिज़ाइन था ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ये नेट पे एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन में है। और इसके साथ में ये प्लेन दुपट्टा आया था ग्रीन, और इसमें एक ही साइड में ये इस तरीके के नेट फैब्रिक पे ये एम्ब्रॉयडरी करी हुई है सेम। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट कुर्ता सेट, और ये मैंने मीशो से मंगाया है, और इसका प्लाजो मुझे कुछ ऐसा रिसीव हुआ है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, और इसका जो अमाउंट है वो 300 समथिंग ही है, और दोनों साइड से मुझे इसमें इलास्टिक मिली है। एंड इसका जो प्लाजो है ये नीचे से देखिए इस तरीके का डिज़ाइन है इसमें। बट पहनने के बाद में जितना इसमें अभी इस टाइम पे फ्लेयर दिख रहा होगा, पहनने के बाद में उतना फ्लेयर इसमें नहीं लगा मुझे। इसके साथ में मुझे रिसीव हुआ है ये कुर्ता, और ये देखिए ये कुछ ऐसा है, पूरा प्रिंटेड कुर्ता है ये। बस इसमें जो ये फ्रंट में डिज़ाइन दिया हुआ है नेक के पास में, ये एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, बाकी पूरा इसमें प्रिंट है। एंड बैक साइड भी इसकी पूरी ऐसी ही प्लेन है, और इसमें भी 3/4 स्लीव्स दी हुई है, ये रेयॉन फैब्रिक में है। और ये था हमारा लास्ट कुर्ता सेट, और इसे भी आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि ये पहनने के बाद में कैसा लग रहा है। ये मुझे इससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी, बट ये मुझे वैसा रिसीव नहीं हुआ, थोड़ी सी इसकी क्वालिटी ख़राब है उस अकॉर्डिंग। मतलब 300 समथिंग में है तो मतलब ठीक ठाक है, बट इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वॉश करने के बाद में इसका कलर भी निकल जाएगा। और ये था हमारा आज का हॉल, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से मेंशन करिएगा, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।